हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन चैनल बाय यूनिक हाई स्कूल बहरिया टाउन कैंपस लाहौर। आई एम यासिर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड पोएम ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच इज़ टाइटल्ड एज द पोएम। तो ये वीडियो लेक्चर जो है ये क्लास सिक्स वालों के लिए है और आज हम जो है थर्ड पोएम इस चैप्टर की या इस बुक की वो हम करने जा रहे हैं विच इज़ टाइटल्ड एज द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये जो पोईम है इसका टाइटल ही है द पोईम। तो ये लिखी है एमी लोवेल ने, जो कि 1874 में पैदा हुई और 1925 के अंदर उनकी डेथ हुई। तो ये जो राइटर है यानी कि ये जो पोइट है ये काफ़ी फेमस अमेरिकन पोइट है और इनकी जो पोइट्री होती है उसके अंदर हमें इमेजरी मिलती है। इमेजरी का मतलब ये होता है इमेजिन करना एट ए ब्रॉडर स्केल। ठीक है, जब कोई राइटर या फिर कोई पोइट इमेजिन करता है तो वो अपने ज़हनी तखय्युलात के थ्रू जो है एक स्टोरी का कनेक्शन बता रहा होता है। तो उस स्टोरी के कनेक्शन को जब रीडर पढ़ता है तो उसको ऐसे फील होता है कि वो भी इमेजिन कर रहा है उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरी सिचुएशन को। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस पोएम विच इज़ टाइटल्ड एज द पोएम। सो मीनवाइल आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक टू बी विद मी। सो हेयर इज़ द पोएम। ओके, इट इज़ ओनली अ लिटल ट्विग। ये एक सिर्फ छोटी सी शाख है। ट्विग कहते हैं हम लोग एक छोटी सी शाख जो कि किसी भी दरख्त की हो सकती है, किसी पौधे की हो सकती है। विद अ ग्रीन बड एट द एंड, और इसके इख्तिताम पर एक हरे रंग की कली है। बड कहते हैं कली को, यानी कि अनओपन फ्लावर होता है जो कि अभी पूरा एक फूल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कली, और इसके इख्तिताम पर एक हरे कलर की कली है। बट इफ़ यू प्लांटेड, और अगर आप इसको बोगे, प्लांटेड का मतलब है प्लांट यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ, यानी आप इसको ब्लोगे यानी उसकी प्लांटेशन करोगे। एंड वाटर इट, और उसको पानी दोगे। एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और आप इसको वहाँ लगाओगे जहाँ पर ऊपर सूरज होता है। इट विल ग्रो इंटू अ टॉल बुश, तो ये छोटी सी जो टहनी होगी वो एक बड़ी सी टहनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बुश कहते हैं बड़ी सी टहनी, ठीक है, या फिर हम छोटे पौधे के लिए भी वर्ड बुश यूज़ करते हैं जिसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी छोटा होता है। विद मैनी फ्लावर्स, और इसके अंदर काफ़ी फूल उगेंगे। एंड लीव्स, और पत्ते भी। विच थ्रस्ट हिदर एंड दिडर, थ्रस्ट का मतलब होता है कि फैल जाना, ठीक है, फोर्सफुली पुश हो जाना, यानी कि जब वो कह रहे उसको पानी मिलेगा, उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो वो वाले जो पत्ते होंगे वो इधर उधर फैल जाएंगे, स्पार्कलिंग, और जगमगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला स्टैंजा था। स्टैंजा का हमें किस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर ये डॉट आ रहा है, यानी कि एक बात उसकी राइटर की ख़त्म हो रही है। तो वो कह रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी ये शाख है जिसके एंड पर जो है एक हरे कलर की कली बनी हुई है, और अगर आप इस शाख को बोओगे, इसको पानी दोगे, इसको वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर सूरज की रोशनी अवेलेबल है, तो वो जो छोटी सी शाख है वो एक बड़ी सी बुश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो छोटे से प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पहले शाख और उसके बाद वो जो एक पौधा बन जाएगा, और उस पौधे के ऊपर जो है कह रहा है काफ़ी फूल भी उगेंगे, और उसके जो पत्ते होंगे वो इधर उधर जो है फैल जाएंगे और वो जगमगाएंगे। सो वी आर मूविंग टू द सेकेंड स्टैंजा। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, तो उसकी जो जड़ें होंगी, रूट्स होती है जो अंडर अर्थ पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रूट्स, यानी कि जड़ें जिसके थ्रू पानी जो है वो पूरे प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, तो उसकी जो जड़ें होगी उससे ताजगी बाहर आएगी, ताजगी यानी फ्रेशनेस। एंड बीनीथ इट, और उसके नीचे द ग्रास ब्लेड्स, जो कि ग्रास कहते हैं घास को, ब्लेड्स यानी उसकी टहनियाँ, और इसके नीचे जो घास की टहनियाँ होगी विल बेंड, जो कि मुड़ेगी या झुकेगी। एंड रिकवर देमसेल्स, और दोबारा ऊपर को उठेंगी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उसकी जो रूट्स होंगी, जो उसकी जड़ें होगी, उससे ताजगी आएगी, और जो उसकी घास होगी, घास की टहनियाँ होगी, वो नीचे को झुकेगी और ऊपर अपनी हालत में वापस आएगी। एंड क्लैश वन अपोन अनदर, क्लैश वन अपोन अंदर का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी, ठीक है। एंड क्लैश वन अपॉन अनदर, कि वो एक दूसरे के साथ जो है टकराएंगी। इन द ब्लोइंग विंड, ब्लोइंग विंड का मतलब है कि तेज़ हवा के अंदर, या हवा जब चलती होगी उसके दौरान जो जड़ें हैं उनके अंदर से कह रहा ताजगी बाहर आएगी, और उसके नीचे जो घास उगी हुई है उसकी टहनियाँ आपस में झुकेंगी, टकराएंगी, और जो हवा होगी उसके अंदर वो दोबारा वापस आ जाएंगी, ठीक है। यानी इसके अंदर वो एक पूरी सिचुएशन बता रहा है
कि जब इसको आप बो दोगे इसके अंदर से फ्लावर्स निकलेगी और इसके नीचे जो है घास उग जाएगी, तो जब तेज़ हवा चला करेगी तो उसकी जो जड़ें होंगी उस प्लांट की, उस जड़ों में से जो है फ्रेशनेस की एक जो ताजगी वाली सेंसेशन आती है वो आएगी, और जो उसके नीचे घास उगी हुई होगी उस घास के जो टहनियाँ होगी, टहनी का मतलब है जो इसकी एक लिटिल इंडिविजुअल जो लीफलेट होती है, वो जब हवा चलेगी तो उसकी वजह से वो टकराएंगी। किस तरह से टकराएंगी, वो एक दूसरे के ऊपर जो है लगेगी जाके, वो झुकेंगी हवा के प्रेशर के साथ और उसी तरह से वो दोबारा से रिकवर होगी। तो वो एक पूरा ये एक मंजर कशी की भी है राइटर ने। बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी ये शाख ले लो एंड थ्रो इट इन टू अ क्लोजेट, और इसको कहीं किसी छोटी सी जगह पर फेंक दो, क्लोजेट का मतलब होता है एक बंद सी जगह जो कि एक स्मॉल सी प्लेस होती है उसके अंदर, विद माउस ट्रैप्स जहाँ पे चूहे पकड़ने वाले ट्रैप्स मौजूद हो एंड ब्लंटेड टूल्स। ब्लंटेड का मतलब होता है डल, यानी कि जो किसी ना काम के हो। वो कह रहे हैं अगर आप मेरी इस शाख को लो और किसी छोटी सी जगह पर फेंक दो जहाँ पर माउस ट्रैप्स मौजूद हो, जहाँ पर जो है फजूल किस्म के औजार भी मौजूद हो, इट विल श्राइवल एंड वेस्ट। श्राइवल का मतलब होता है विदर कर जाना, यानी कि सूख जाना या मुरझा जाना। तो वहाँ पर ये वाली जो ट्विग होगी उसकी वो मुरझा जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगी। एंड सम डे, और फिर किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप उस दरवाजे को खोलोगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, तो आप सोचोगे कि ये एक पुराना बल खाता हुआ कील है। नेल कहते हैं हम कील को, ट्विस्टेड नेल का मतलब होता है कि जिसको जो है बल पड़े हो या फिर वो मुड़ा हो। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब आप किसी दिन जाके उसका दरवाज़ा खोलोगे, उस क्लोजेट का, ठीक है, ये जिसमें उसने बात की थी, एक स्मॉल सी प्लेस के अंदर आप उसको फेंक दोगे, तो जब आप उसका दरवाज़ा खोलोगे और इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये एक पुराना सा मुरा हुआ या फिर बल खाया हुआ एक कील है। एंड स्वीप इट इन टू द डस्टबिन, और आप उसको जो है फेंक दोगे डस्टबिन के अंदर, विद अदर रबिश, बाकी कूड़े के साथ। रबिश यानी कूड़े के लिए यहाँ पे वर्ड जो है यूज़ हुआ हुआ है। तो अब इसके अंदर जो ये पोएम है, इसके तीन स्टैंजाज हैं। तो पहले स्टैंजा के अंदर जो राइटर है वो आइडिया दे रही है कि मेरे पास जो है एक ट्विग है और इसके एंड पे जो ग्रीन बर्ड है, ग्रीन बर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर एनर्जी है कि ये आगे फैल सकती है, राइट, यानी कि फ्लोरिश कर सकती है, उसके बाद प्रोग्रेस कर सकती है। और अगर आप इसको जो प्रॉपर सिचुएशन दोगे, लाइक उसको पानी मिलेगा, उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो इसके अंदर से कह रहे हैं जी एक टॉल बुश ये बनकर बाहर आएगा, फ्लावर्स लगेंगे, लीव्स लगेंगे, और इसके नीचे जो है ग्रास ब्लेड्स होगी, यानी कि घास की टहनियाँ होगी। और दूसरी सिचुएशन ये कि अगर आप इस शाख को फेंक दोगे एक बंद से कमरे में, ठीक है, तो ये जो है एक वेस्ट बन के रह जाएगा, और जब आप कभी उस कमरे में जाओगे और देखोगे तो आप उसको जो है कूड़े के अंदर फेंक दोगे, क्योंकि वो आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी और वो मुरझा चुकी होगी और बिल्कुल वेस्ट होगी। तो अब इस पोइम से हमें ये एक लेसन मिलता है। राइटर जो है पोइटस जो है इस पोइम की, वो ये कहना चाह रही है कि जो आपकी नॉलेज होती है उसको आपने यूटिलाइज़ करना है और उसको इन्हांस करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और उसको आपने प्रॉपर सिचुएशन देनी है। किस तरह से, यहाँ पे जिस तरह उसने कहा कि उसको पानी मिलना चाहिए, उसको जो है सूरज की पूरी रोशनी मिलनी चाहिए, तो जाके वो एक फ्लोरिश फ्लावर्स के अंदर और लीव्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो नॉलेज को हम उस तरह से स्टेबल कर सकें कि हम उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करें, और सिर्फ इतना ही नहीं कि नॉलेज को आपके इंक्रीज भी करना चाहिए, यानी कि जो आपका अवेलेबल नॉलेज है उसको आपने इन्हांस करना है बाय रीडिंग, बाय स्टडिंग, बाय लर्निंग मोर एंड मोर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आइडिया मिलता है। और दूसरा आइडिया जो है इसका, आप एज इट इज़ भी ले सकते हो, जिस तरह आपको ये लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा पौधा है, उसको आपने प्रॉपरली जो है वाटर करना है, उसको प्लांट करना है और उस जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, ताकि वो फ्लोरिश हो, ठीक है, यानी कि वो फैले और वो एक बड़े सारे ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अब आप ये इसकी ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें भी आप देख सकते हो कि ये ट्री है और इसके अंदर डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स उसने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट जो है ये हाईलाइट करे कि जो आपकी नॉलेज का ट्री है वो तभी आगे की तरफ बढ़ेगा जैसे जैसे आप उस अपने नॉलेज को इन्हांस करोगे और अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपकी डेली लाइफ है, उसके अंदर आप उस नॉलेज को यूज़ करोगे, तो जाके आपकी जो वो नॉलेज होगी और बेसिक जो आपके पास एक पूरा कॉन्टेंट होगा वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकेगा। तो इस तरह से जो पोइटस है वो अपनी इमेजरी के थ्रू, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि वो इमेजिनेशन के थ्रू जो है पूरा सिनेरियो और पूरा कॉन्टेक्स्ट एक क्रिएट करती है, ठीक है। और पोइटस का नाम था एमी लोवेल, और हमने पढ़ लिया कि किस तरह से इस पोइम के अंदर जो पोइटस है उसने हमें एक ट्विग यानी कि एक ब्रांच के ज़रिए या फिर एक शाख के ज़रिए पूरी पोइम को बयान किया हुआ है, और उसके हमें दो कंडीशंस दी है। एक कंडीशन ये थी कि आप उसको प्रॉपरली जो है प्लांट करो, दूसरी ये थी उसको आप फेंक दो। सो इट्स अप टू यू के हाउ यू टेक that twig, whether you plant it or waste it. So this is all about this poem. Thank you for watching this video.